योर चैनल शेयरिंग द नॉलेज। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे किंगडम मोनेरा के बारे में, आज हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस करें, मैं बता दूं, अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको बहुत सारा जानने को मिलेगा और उससे इस वीडियो के साथ कुछ आप लिंक कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पिछले वीडियो को जाके आप चेक कीजिए। तो अब हम डिस्कस करने वाले किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा को पहले 1884 में अर्नस्ट हैकेल ने जो थे बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने पहले फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो अब हम पढ़ रहे हैं इस किंगडम को ऐड किया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में 1884 में, ठीक है। ये थर्ड किंगडम था, कार्लोस लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसके बाद 1884 में अर्नस्ट हैकेल ने ये वाला किंगडम को ऐड किया था। उसके बाद 1969 को जो कोट फाइटकर हैं उन्होंने और दो किंगडम को ऐड किया था, दैट इज मोनेरा एंड फंगे, ठीक है, समझ में आया। तो उसके बाद अब हम इस किंगडम के कुछ इंपोर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनका क्लासिफिकेशन के बारे में, इंपोर्टेंट फीचर्स अभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, नोट डाउन करो, कॉपी निकालो, नोट बनाओ और उसको पढ़ाई करो, ठीक है। तो फर्स्ट होता है, ये होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल्ड होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब एक ही सेल से इनका बॉडी बना हुआ होता है, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट है, ये होते हैं यूकैरियोटिक सेल। ये जो सेल होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं, इसलिए यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन दिखने को मिलता है। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अगर इनके पास यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल का जो कैरेक्टर है ये दिखाएंगे। तो यूकैरियोटिक सेल का क्या है कैरेक्टर? इनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होंगे। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, जो इसमें होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो इनमें देखने को मिलते हैं, जैसे हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिड्स, तो ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये होते हैं वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया, ये कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं ये हमें, ये प्राइमरीली क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ देम आर प्राइमरीली एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक मतलब पानी में देखने को मिलते हैं। एक्वाटिक, एक्वा का मतलब क्या है? पानी में रहते हैं। तो पानी में मतलब दो जगह होता है, एक होता है मेराइन और एक होता है फ्रेश वाटर। मेराइन मतलब ओशन, फ्रेश वाटर मतलब जो हमारा पॉन्ड, रिवर जो भी है, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर जो भी हमें दिखाई देता है उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर। पॉन्ड, रिवर जो भी है, स्टैग्नेंट वाटर जहां पे पानी कुछ जम गया होगा वहां पर भी देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम आर प्राइमरीली एक्वाटिक होते हैं। अच्छा, और क्या होते हैं ये? तो इनका कुछ वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता। क्या नहीं होता? नो वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं, मतलब कुछ प्रोटिस्ट होते हैं जो प्लांट का कैरेक्टर शो करते हैं, कुछ होते हैं एनिमल्स का शो करते हैं, कुछ होते हैं फंगाई का शो करते हैं। तो ये तीन किंगडम का कैरेक्टर ये शो करते हैं। तो इट फॉर्म्स लिंक विथ दिस थ्री किंगडम। ये एक लिंक फॉर्म करता है इन तीन किंगडम के साथ। क्यों? क्योंकि कुछ प्रोटिस्ट होते हैं जो प्लांट की तरह बिहेव करते हैं, कुछ एनिमल की तरह बिहेव करते हैं, कुछ फंगी की तरह बिहेव करते हैं। तो इसका कुछ वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता जिसके अंदर हम इस सबको रख सकें। तो इट एक्ट एज ए लिंक, जैसे तुम्हारे बुक में जो वो डायग्राम दिया होता ना ऐसा, कि यहाँ पर हो गया मोनेरा, यहाँ पर हो गया प्रोटिस्ट और यहां से जाके एक
इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, ठीक है। तो कुछ होता है यहाँ पर फंगी, यहाँ पर प्लांटी, यहाँ पर एनिमलिया, तो ये तुम्हारे एक बुक में दिया है। तो ये जो प्रोटिस्ट है ये बीच में है, तो ये क्या करता है सबके साथ लिंक शेयर करता है, लिंक मतलब सबके साथ कनेक्टेड, सबका कैरेक्टर ये शो करता है, तो इसलिए इट फॉर्म्स ए लिंक विद द अदर थ्री किंगडम्स। उसके बाद है तो प्लांट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब क्या होगा, ऑटोट्रॉफ होगा। अच्छा, एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है मतलब हेटरोट्रॉफ होगा, और फंगी की तरह बिहेव कर रहा है मतलब डिकम्पोजर होगा, मतलब पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक होगा, ठीक है, सैप्रोफाइटिक होगा मतलब डिकम्पोजर होगा, डिकम्पोज करता होगा, ठीक है। अच्छा, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये मतलब क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, दे डिराइव देयर फूड ऑन देयर ओन, खुद बनाते हैं ये, तो इसलिए इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो कैसे बनाते हैं, क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, दैट इज क्लोरोफिल, ठीक है। तो इसके बाद ये इसका जो क्लासिफिकेशन करेंगे, ये इनके न्यूट्रिशन पे बेस पे ही इनको क्लासिफिकेशन किया गया, हम ये सबको अलग अलग डिस्कस करेंगे। और कुछ होते हैं प्रोटिस्ट, क्या होते हैं वो, पैरासाइट होते हैं, क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, कुछ सिम्बायंट होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं पैरासाइट, कुछ होते हैं सिम्बायंट। पैरासाइट जो होते हैं क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, कुछ एनिमल के ऊपर रहते हैं, कुछ अंदर रहते हैं, और उनसे अपना खाना डिराइव करते हैं, अपना जो न्यूट्रिशन है वहीं से ही उनको मिलता है। कुछ होते हैं सिम्बायंट, तो कुछ प्रोटिस्ट होते हैं पैरासाइट होते हैं, कुछ होते हैं सिम्बायंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया इतना। इकोसिस्टम में हमारे तीन जगह है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो प्रोटिस्ट क्या है, ये तीन जगह में है, कुछ प्रोटिस्ट हैं जो प्रोड्यूसर हैं, कुछ प्रोटिस्ट हैं जो कंज्यूमर हैं, और कुछ प्रोटिस्ट हैं जो डिकम्पोज करते हैं। तो ये इकोसिस्टम में जो तीन बेसिक नीड्स है ये सबके सबके पास है, दे फील, थ्री बेसिक नीड्स ऑफ द इकोसिस्टम, दैट इज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो तीन जगह ये हमें तीन तरह का मिलेंगे, प्रोड्यूसर भी हैं, कंज्यूमर भी हैं, डिकम्पोजर भी हैं, ठीक है। हम बनाएंगे, हम ही खाएंगे और सबको खाएंगे, ठीक है, और उसको हम डिकम्पोज भी करेंगे, क्योंकि ये प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, तो डिकम्पोजर भी हैं, तो इनका कुछ नाम भी दिया गया है। जो प्रोड्यूसर हैं मतलब प्लांट लाइक बिहेवियर दिखाते हैं, प्लांट लाइक फीचर दिखाते हैं, तो उनको बोलते हैं, प्रोड्यूसर को बोलते हैं क्या, प्रोटिस्टन अल्गी, क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टन अल्गी, ठीक है। अच्छा, जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर जो है वो क्या कर रहा है, एनिमल लाइक बिहेवियर दिखा, मतलब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट, क्या बोलते हैं, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट, ओके। और जो डिकम्पोजर है वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, फंगी लाइक बिहेवियर दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स, डिकम्पोज करते हैं। तो ये होते हैं जो प्लांट लाइक बिहेव करते हैं उसको प्रोटिस्टन एल्गी बोलते हैं, जो कंज्यूमर मतलब एनिमल लाइक बिहेवियर करते हैं उसको प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट बोलते हैं, और जो डिकम्पोज करने में मदद करते हैं उसको बोलते हैं स्लाइम मोल्ड। समझ में आया। अच्छा, उसके बाद देखते हैं ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है, मतलब अपना नंबर कैसे बढ़ाते हैं। तो ये दो तरह का करते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और होता है एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअली कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअली बाय
बाइनरी फिशन, जैसे मोनरा में बैक्टीरिया कर रहे थे ना बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन, एक सेल से, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल निकल जाएंगे तो वो होता है बाइनरी फिशन। सेक्सुअल क्या करते हैं, सेक्सुअल में एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, सेल फ्यूजन होता है एंड सेल फ्यूजन होकर क्या होता है, जायगोट फॉर्मेशन होता है, ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल होता है बाइनरी फ्यूजन में, सेक्सुअल में एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, सेल फ्यूजन होकर जायगोट फॉर्मेशन होता है, तो इस तरह वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका कुछ इंपोर्टेंट फीचर। अब इसका कुछ एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। तो प्रोटिस्टा किंगडम के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो फर्स्ट आ गया हमारे एमाइबा, प्लास्मोडियम, इनका नाम तो सब सुना ही होगा, प्लास्मोडियम, पारामेशियम, यूग्लिना, डाइनोफ्लास्लेट्स। ठीक है, ये कुछ हो गए इनका एग्जाम्पल। और मेन चीज हो गया डाई एटम्स, स्लाइम मोल्ड्स। तो ये हो गया कुछ एग्जाम्पल मेन जो कुछ और प्रोटिस्ट होते हैं, इनका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, इनका नाम याद रखना, कुछ एग्जाम्पल इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो अपना कैसे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं इसी के बेस पे इनका क्लासिफिकेशन हुआ है। सो प्रोटिस्ट आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका न्यूट्रिशन का बेस पे उनको तीन तरह में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो पहले आए ऑटोट्रॉफिक, उसके बाद आए हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, उसके बाद आए सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक। तो पहले देखते हैं ऑटोट्रॉफिक में क्या क्या आते हैं। ऑटोट्रॉफिक में पहले आते हैं क्राइजोफाइट्स, सेकेंड आते हैं डाइनोफ्लाजलेट्स, थर्ड में आते हैं यूग्लिनर्स। नाम बहुत ही मतलब अलग तरह का नाम दिया गया है, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लाजलेट्स, यूग्लिनर्स। ठीक है, इनको याद रखना कैसे, डाइस, डाइनोफ्लाजलेट, क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनर्स। ठीक है, डाइस ऐसे लिख के याद रखना। उसके बाद है हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक में ये एनिमल लाइक बिहेवियर दिखाते हैं। ठीक है, तो इनको प्रोटोजोआ भी बोला जाता है। तो प्रोटोजोआन ये होते हैं, प्रोटोजोआन, तो प्रोटोजोआन चार तरह के होते हैं, एक हो गए एमोबॉइड, प्रोटोजोआ, एक हो गए सिलिएटेड प्रोटोजोआ, एक थर्ड हो गया फ्लाजलेटेड, सिलिएटेड मतलब सिलिया होगा, फ्लाजलेटेड मतलब फ्लाजला होगा, और फोर्थ में आया स्पोरोजोआंस। ठीक है, और सैप्रोफाइटिक में एक ही आया हमारा स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन को बेस करके हमने किंगडम प्रोटिस्टा को तीन टाइप में क्लासिफाई किया, दैट इज ऑटोट्रॉफ मतलब फोटोसिंथेटिक, हेटरोट्रॉफ मतलब प्रोटोजोआन जो एनिमल लाइक फीचर दिखाते हैं, सैप्रोफाइटिक जो कि डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन।
हम ये सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और क्राइजोफाइट्स पहले हम डिस्कस करने वाले हैं क्राइजोफाइट्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। दिस इज मानस मानव साइनिंग ऑफ।